पाकिस्तान में इदारा एक पाकिस्तान आर्मी का मौजूद है और दूसरा इदारा अब इन्फेंसी के अंदर है, दैट इज द जुडिशरी, एंड द थर्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज टेकिंग रूट इज मीडिया। जब आपके पास पार्लियामेंट भी है, देखिए आपका जो पार्लियामेंट भी एक अदारा है जो जो काम कर रहा है, और अगर आप इन्फेंसी की बात करें वो भी इन्फेंसी में और काम कर रहे हैं। बिल्कुल 18th अमेंडमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। नो नो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जमहूरी लोग उधर आए हुए, वहां पहुंचना तो जमहूरियत ठीक है, लेकिन जमहूरियत के दो पहिए होते हैं, एक नहीं होता। ये तो पहला पहिया कि आप इलेक्ट कैसे होके इस्लामाबाद पहुंच गए, आप तोप के ऊपर बैठ के आ जाए इस्लामाबाद या आप वोट के जरिए इस्लामाबाद आ जाए। जब आप इस्लामाबाद आके बैठ गए उसके बाद आपकी गवर्नेंस कैसी है, क्या वो जमहूरी अंदाज में है या वो डिक्टेशन से होती है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस और द प्रेसिडेंट हाउस, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है। जो अदील साहब ने भी बात कहा कि जी बलूचिस्तान में जुल्म हो गए, गवर्नमेंट फ्रंटियर की गवर्नमेंट हटा दी, ये इदारे अगर होते तो ऐसा नहीं होता, गो के जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन वो जमहूरी प्राइम मिनिस्टर के जो ऑर्डर्स थे तो मैं जो बाइंडिंग, तो जो आपने बातें अभी तक की है, डिसीजन मेकिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, खुद मुख्तार इदारे, सेल्फ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो करनी है ना आपने, पहले आपने उसको बनाना है, फिर आपने उसको कहना है कि जी आप अपने आप को जमहूरियत नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हम अगर हम अग्री कर सकते हैं कि हम इन दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग तो आपकी नहीं हो रही है, उसकी वजह यह कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का मतलब यह है, मेरी गुजारिश नहीं, उसके बुनियादी में आपको चीज बताऊं, जो आपके पास पावर्स हैं वो अगर आपके मुट्ठी में मुंतकिल है, एक ग्रुप के मुट्ठी में मुंतकिल है, तो वो आप उसको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं कह सकते। जिधर एग्जीक्यूटिव का इंटरफियरेंस आ गया ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ अ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट रहता है, जिधर आपका डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं आएगा, आप यूके में रॉकेट साइंस की बात नहीं करो, आप जर्मनी का एग्जांपल ले, नीदरलैंड्स का ले ले, अमेरिका का ले ले, आप ग्रेट ब्रिटेन आप ले ले, उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिनिस्टर्स डोंट इंटरफेयर इन डे टू डे रनिंग। आपको मैं एग्जांपल दूं, एक होम मिनिस्टर डेविड ब्लंकेट, उसकी मेट का वीजा था, उसने खाली बींग द होम मिनिस्टर उसने इंक्वायर किया कि इसका कब तक होगा, नहीं कहा कि जल्दी कर दो हाथ कर दो, ये उसने किया तो उन्होंने क्या कि ये इसको प्रेशर समझा और उसको अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। वो एक बहुत इवॉल्वड डेमोक्रेसी है। I know, but that you have to work, तो उसको आप अपने सामने रखेंगे ना, तो आपने टारगेट बना दिया 100 का, आप 100 पे नहीं पहुंचे तो आप उस तरफ चले तो सही, आप 20 पे पहुंच गए, 40 पे पहुंच गए, 50 पे पहुंच गए। साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी इंग्लैंड की, आई विश कि हम भी उतनी जगह पहुंच जाएं। दूसरी मिसाल पर गुलामी की हमारी, फिर गुलाम बन जाए। नहीं तो सिंगापुर की मिसाल हमारे पास ली की मौजूद है, हम उसको नहीं कह रहे आप अभी हमारे साथ ही आजाद हैं, आगे चलें। अभी हम रफीज भाई ने बात की गुड गवर्नेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट भी बताई, ये भी बताया कि भाई मैं सिर्फ उसकी छोटी सी मिसाल, गुड गवर्नेंस आदमी इधर ज्यादा होगा इधर कम से नहीं पता चलता, फिगर्स बोलते हैं। सिंध की गवर्नमेंट जब बनी थी 10 बिलियन या 11 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था, आज सिंध में ओवरड्राफ्ट नहीं है सिंध गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का अबव देन 80 बिलियन का ओवरड्राफ्ट है। तो सस्ती रोटी बना रहे हैं, सस्ती रोटी का ये नहीं पता चला 12 बिलियन गए कहां, ये पता चलता है कि गवर्नेंस कैसी है। 14 मिनिस्ट्री तो आपने कर दी जनाब, आपने ये साबित किया कि मेरे पास कोई अहल एमपीए ही नहीं है, सारी आधी मिनिस्ट्रियां अपने पास रखी हैं, ये बात वो भी आंखें बंद कर रहे हैं, टास्क फोर्स नहीं है, सब्जेक्ट ब्रिटेन सारे चलाते हैं। अच्छा एक सेकंड, दूसरी बात है रिजर्व की, बहुत कम मिनिस्टर रिजर्व की भी बात करता हूं, बहुत कम मिनिस्टर, आप समझते कि पोस्ट ऑफिस का मिनिस्टर बनना चाहिए था, और वही आदमी जो सेनेट के फ्लोर पे खड़े होके उसने कहा था कि परफेक्टली ओके टू बैरी वेबिनर लाइन, आप मुझे बताए बेनजीर भुट्टो उसको कभी मिनिस्टर बनाती। मैं जो सिर्फ आपको फिगर्स की बात कर रहा हूं, फिगर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन हमने लेना है छोटा सा ब्रेक, विल कम बैक टू यू, विल कम, हम आपके पास ही वापस आएंगे, लेना है छोटा सा ब्रेक, वी बी बैक, स्टे विद अस, वेलकम बैक। तो नजमी आजम साहब, हां लेकिन इशू पे ये जो इंडिपेंडेंट, ये जो हमारी हुकूमत बेहतर है उनकी बेहतर है, कि गुड गवर्नेंस के हिसाब से अगर किसी ने, लेकिन दुनिया नहीं मानती है कि गवर्नेंस गुड है पाकिस्तान में, अगर आपका ओवरड्राफ्ट नहीं होल्ड कर रही है आपकी गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस है, आपका रिजर्व्स
12 बिलियन से आज 19 बिलियन पे जा रहे हैं, तो गुड गवर्नेंस है। लेकिन आप डिसीजंस ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि आपको ओवरड्राफ्ट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। मैं इसकी हिसाब बताता हूं, यही है और सारे पैसे वैसे ही उधर ही। मेरी बात सुनिए, अभी जब कोई एक ऐसा गाइडेंस आप बता दें, आपसे एक मच्छर मिसाल देता हूँ गुड गवर्नेंस। आपसे मुझे एक सवाल बताने, देखिए आपने मीडिया की भी बात की गुड गवर्नेंस की, कि कभी आदमी को डिसीजन लेते होते हैं लेने होते हैं राइट और रॉन्ग या कुछ सोचे बगैर। अभी जब प्रेसिडेंट साहब बाहर के दौरे पे थे और उसी वक्त पाकिस्तान में फ्लड हुआ, यहाँ एक शोर मचा दिया गया, फ्लड पहले आ गया था, फ्लड आ गया और प्रेसिडेंट साहब छोड़ के चले गए, फ्लड तो पहले आ गया था, फ्लड आ गया था फिर वो चले, फिर गए, एक पूरे मीडिया में एक क्योस मचा दिया गया कि, और उसको ये नहीं देखा गया कि आपके मुल्क के साथ किसका क्या रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन ये गवर्नेंस होती है, उस वक्त प्रेसिडेंट साहब भी उस प्रेशर के आगे झुक जाते और वापस आ जाते, नहीं वो गए और उसका रिजल्ट क्या लेके आए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता था कि जिस काम के लिए प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं उसको दूसरे मुल्कों की लॉबी उसको बड़ी अपोज करी, वो थी यूरोपियन यूनियन से सेंक्शंस लेना आपकी ट्रेड की, जो आज जिसका आपको मिल गई है, मिल गई है आपको, और ये ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसको हम मिसकोट कर रहे हैं, ये नहीं, मिसकोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने अपनी अपनी जायदादों की जायदादों के हवाले करने गए, या मैं ये कहूं कि अभी मियां साहब जग गए थे या सऊदी अरब के महल पर, जो आप बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको आप दोनों को कुछ कहने वाली हूं कि आप कुछ भी कह सकते हैं अगर आप बहुत दफा कहेंगे और आप मीडिया पे कहेंगे कि लोग समझेंगे कि जो भी आप कह रहे हैं सच है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहिए, हाजी अदील आप हमारे साथ लाइन पे है ना, होल्ड कराया हुआ है जी, सॉरी हाजी जी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कराची जो शहर है, हमारे पास एक बहुत डायनामिक और यंग मेयर थे जो नाजिम थे कराची के, और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कराची में जो विजिबल है, जो हम देख सकते हैं, सड़कें बनाए और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनी, बहुत इसमें पैसा गया है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि किसी ने सोचा भी कि कितने लोगों का फ़ायदा इसमें है अगर एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है या एक फ्लाईओवर है, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 7% कराची के पास गाड़ी है, बाकी शहर के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो उनका उनका जो रिलायंस है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, या आप उसको उनको एक मेट्रो सिस्टम दे या बस सिस्टम या कुछ। जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो शॉली जब आप एक डिसीजंस ले रहे हैं तो आपने उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी सोचना है। ये मेरा सवाल है आप चारों पॉलिटिशियंस से कि जब आप लोग डिसीजंस लेते हैं आप सोचते भी हैं कि किसको फायदा होगा और किसको नहीं होगा। देखिए अगर पहले तो यह है कि चूंकि इतनी तफसीली बहस हुई है और यहाँ रिफरेंडम की भी बात की गई है, तो रिफरेंडम तो जो हुआ था पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के बनने के बाद जो रिफरेंडम हमने देखे वैसे ही हुआ था। दूसरा यह है कि कायदे आजम अगर चाहते हैं तो असेंबली को तोड़ के नए इलेक्शन कराते तो ये आईनी बात होती। उन्होंने असेंबली भी तोड़ी और उन्होंने हुकूमत तोड़ के अकलियत दी, हुकूमत बना ली, और यही काम फिर जनाब जुल्फिकार अली भट्टू के दौर में हुआ, फिर यही बेनजीर साहबा के दौर में हमारे सूबे में हुआ है। असल बात तो यही है, अगर वो हुकूमत को असेंबली तोड़ देते और नए इलेक्शन कराते हमें कोई एतराज नहीं होता। अब आपने कहा कि बात ये, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ जरूर से ज्यादा उजरा है, जरूर से ज्यादा मिनिस्ट्री है, डिविजन है, पति महकमे क्या है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हमारे सूबे में 4 वजीरों पर हुकूमत चलती थी, और पाकिस्तान बनने के बाद जब मियां नवाज शरीफ हमारा इत्तेहाद था तो हमारे कुल 6 मिनिस्टर थे, 3 उनकी जमात के और 3, और आज तो ये हालत है कि बलूचिस्तान के हर रुकन मिनिस्टर है। यही वजह है कि 18 अमेंडमेंट में हमने ये पाबंदी लगाई है कि इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमतें आएंगी और मरकज में 11% जो टोटल पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा वजीर तो होंगे, और सूबों में 15% को ऐसे लगता है किसी एक पार्टी को अब अक्सरियत नहीं मिलेगी, मजबूरन वो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनेगी। तो ये हमने एक एहतियात किया है, लेकिन ये अगर एहतियात इलेक्शन के बाद है, कल भी हो सकता है, आज भी गैर जरूरी तो भी, मैं तो समझता हूँ कि ईवान सदर में एक ऑफिस वजीर आजम का भी होना चाहिए और उसी में तमाम दफातर भी बैठ सकते हैं। जो अलहदा सेक्रेटरेट है वजीर आजम का, उससे हमारे इस्लामाबाद के सारे सेक्रेटरेट खपाए जा सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप देखें बेतहाशा वजीर है, बेतहाशा उनके सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरीज का एक नया ओहदा निकला है, तो ये मामला बिगड़ता गया। उसकी एक और वजह यह है कि हमारे यहाँ जुडिशरी ने हमेशा आमिर के साथ दिया,
नजरिया जरूरत ने हमेशा गलत फैसले कराए हैं, नतीजा है कि इंसाफ लोगों को